नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी कृष्णा चौहान और आपका हक इन क्रेस ऑफ टेक में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटर एंड इट्स टाइप। जैसा कि आप देख सकते हैं तो ऑपरेटर और इसके टाइप के बारे में हम सभी कुछ इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अपने को एडिशन करना है टू नंबर्स का, जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी, तो ये प्लस क्या है? ऑपरेटर, जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एडिशन का। तो अपना ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन। दैट मीन ऑपरेटर हमारा क्या है? एक सिंबल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एडिशन, ये लेस देन या ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल जो कि आपके कंपाइलर को बताना है कि पर्टिकुलर उस सिंबल के लिए आपको क्या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होगा, और वो टास्क आपका मैथमेटिकल भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है। मैथमेटिकल जैसे कि आपको एडिशन, सब्स्ट्रैक्शन, और लॉजिकल जैसे कि लॉजिक गेट्स होते हैं एंड और नॉट या फिर लेस देन ग्रेटर देन। तो ये सब कुछ आपका कौन बताता है? ऑपरेटर। और ऑपरेटर का जो सिंबल है वो कंपाइलर क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। अगर मैंने एडिशन का ऑपरेटर लगाया हुआ है तो कंपाइलर समझ जाएगा कि इन दोनों पर्टिकुलर ए और बी को अपने को ऐड करना है। तो दोस्तों, ये तो बात रही ऑपरेटर होता क्या है और ऑपरेटर होता कितने टाइप का है। तो हमारी जो सी लैंग्वेज है उसमें काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं जिसके थ्रू आप अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। तो कुछ ऑपरेटर्स का नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे अर्थमैटिक ऑपरेटर हुआ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर। तो ये कुल मिला के इतने टाइप के ऑपरेटर्स आपके सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आपके बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ। तो ये सारी की सारी जो न्यूमेरिक वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के थ्रू, ये कौन से होते हैं? आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर। और एक टेबल के थ्रू हम देख सकते हैं ऑपरेटर की, जो आपका एडिशन का साइन है प्लस साइन, तो ये आपका यूरेनी प्लस होता है, माइनस होता है सब्सट्रैक्शन और यूनेरी माइनस, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परसेंटाइल परसेंटाइल, रिमेनिंग आफ्टर डिवीजन, यानी कि आपका मॉडुलस है, जैसा कि लिखा हुआ है 5 modulus 2। दैट मीन 5 को हम 2 से काट रहे हैं, यानी कि 5 को 2 से भाग दे रहे हैं। तो कितनी बार गया? 2 × 4 और 1 बचा रिमेनिंग। तो जो आपका शेषफल जो बचा हुआ है 1, वो है आपका इसका आंसर। तो ये था हमारा मॉडुलस। अगले ऑपरेटर की बात करते हैं, वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सी प्रोग्रामिंग में हमारे दोनों ही ऑपरेटर्स पाए जाते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है? जो भी वैल्यू आपके वेरिएबल में स्टोर होती है उसको 1 के साथ इंक्रीज कर देता है। जैसे 2 वैल्यू है तो उसको कर दिया 3। और डिक्रीमेंट क्या होता है? बिल्कुल उसी तरीके से वैल्यू को 1 माइनस कर देता है। ये भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं प्री डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट को, ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले ए पॉइंट है। ए पॉइंट में देखिए इंटीजर ए इक्वल टू 5 और इंटीजर एक्स इक्वल टू 10 प्लस ए प्लस प्लस। तो अगर अब हम इसकी वैल्यू को देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी और एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू तो होगी हमारी 6, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर कोड में क्या लिखा हुआ है? ए प्लस प्लस। ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट दैट मीन जो इंक्रीमेंट होगा वो लगेगा बाद में और पहला वैल्यू रहेगी सेम। दैट्स वाई एक्स इक्वल टू 15 लिखा हुआ है, यानी कि 10 + 5 जो आपका आ गया 15। पर ए प्लस प्लस के होने की वजह से बाद में इंक्रीमेंट लगा और आपकी ए की वैल्यू क्या हो गई? 6। एग्जाम्पल नंबर बी देखते हैं, उसमें है int b इक्वल टू 5 और int y इक्वल टू 10 माइनस प्लस bb, यानी कि यहाँ पर हो रहा है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट दैट मीन इंक्रीज हो रहा है आपका पहले। तो किस तरह से होता है देखते हैं।
यहाँ पर y इक्वल टू लिखा हुआ है 4, वो किस तरह से हुआ, तो प्लस b भी यानी कि 5 में एक इंक्रीमेंट पहले ही लग गया, तो वैल्यू क्या होगी b की 6, और 10 माइनस 6 कितना आता है 4, और b की वैल्यू क्या हो चुकी थी 6, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं b की वैल्यू 6 है। तो ये था हमारा प्री इंक्रीमेंट। इसी तरह से बात करते हैं प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट की। तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल नंबर सी में पोस्ट डिक्रीमेंट यानी कि डिक्रीमेंट होगा बाद में, तो इंटीजर a इक्वल टू 12 और इंटीजर x इक्वल टू 8 प्लस a माइनस माइनस। a माइनस माइनस मीन पहले तो रहेगा 12 और बाद में एक वैल्यू इसमें से घट जाएगी, कैसे, तो x इक्वल टू क्या आप देख पा रहे हैं 20 कैसे निकला, x इक्वल टू 8 प्लस 12 यानी कि जो आपने डिक्रीमेंट हो रहा है वो अभी तक नहीं हुआ है, तो 8 में जब 12 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, कॉमा a इक्वल टू 11 दैट मीन जो a की वैल्यू है वो एक घट चुकी है। उसी तरीके से यहाँ पर आप प्री डिक्रीमेंट देख सकते हैं, प्री डिक्रीमेंट यानी कि जिसमें डिक्रीमेंट पहले हो जाए। अब इसमें देखिए किस तरह से हो गया, इंटीजर b इक्वल टू 4 और इंटीजर y इक्वल टू 9 अपॉन माइनस माइनस b, तो 4 में से एक गया 3, तो y की वैल्यू देखते हैं 9 अपॉन 3 कितना आया 3 और b की वैल्यू भी 3। तो संभवतः ये जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको क्लियर हो चुका होगा। और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए मैं अभी इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स के प्रोग्राम भी आपको डिस्प्ले करूँगा, आप उनको भी देख सकते हैं। तो अगला ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम है कि वैल्यू को असाइन करता है वेरिएबल में। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। अब जो कॉमन हम असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो इक्वल है, इक्वल टू। तो यहाँ पर कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर देख सकते हो, जैसे कि पहला इक्वल टू यानी कि लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू हम ए में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और एक है प्लस इक्वल टू, अगर हमने लिखा हुआ है ए प्लस इक्वल टू बी, इसका मीनिंग हुआ कि ए प्लस बी की वैल्यू हम ए में असाइन कर रहे हैं। इसी तरीके से माइनस इक्वल टू, तो यूज़ किस तरीके से करते हैं इसको, a माइनस इक्वल टू बी दैट मीन a इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि a को b में से घटाओ और जो भी आउटपुट आए वो a में स्टोर कर दो। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और परसेंटाइल इक्वल टू है, जिसका मीनिंग सिंपल यही है कि जो भी आपका जैसे लिखा हुआ है a एस्ट्रिक इक्वल टू b, दैट मीन a में आप a इंटू b को स्टोर कराओ, a अपॉन इक्वल टू b दैट मीन आप a में स्टोर कराओ a अपॉन b को। उसी तरीके से मॉडुलस में भी है, ए मॉडुलस इक्वल टू बी लिखा हुआ है, तो ए में आप असाइन कराओ ए मॉडुलस बी को। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो दोस्तों अगला ऑपरेटर है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। तो आपका रिलेशनल ऑपरेटर क्या काम करता है, जो ऑपरेंड्स होते हैं जिन पर ऑपरेटर अप्लाई करना होता है उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को पता करता है कि भाई रिलेशनशिप हमारी ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स होने पर रिटर्न 0 करेगा और ट्रू होने पर रिटर्न करेगा 1। और बेसिकली ये जो हमारा यूज़ होता है रिलेशनल ऑपरेटर, ये हमारा यूज़ होता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में। तो देखते हैं भाई इसकी टेबल, जैसे डबल इक्वल टू लग रहे हैं तो उसका मीन होता है कि भाई ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, कंपेयर कर रहा है। जैसे 5 डबल इक्वल 3, तो कंपेयर करने पर पता चल रहा है कि भाई ये दोनों तो अलग अलग हैं, तो इसका रिटर्न हो गया 0। अगर यहाँ पर दोनों ही 5 डबल इक्वल टू 5 होते तो इसका रिटर्न टाइप होता 1। इसी तरीके से ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर के। आइए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की। तो नेक्स्ट ऑपरेटर से हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, जहाँ पर भी हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं वहाँ पर रिटर्न होता है या तो 0 या 1, बिल्कुल वही लॉजिक गेट की तरह। और बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में। जैसे हम देख सकते हैं इस एग्जांपल में, यहाँ पर एंड साइन है डबल, तो ये है हमारा लॉजिकल एंड। ये ट्रू होगा यदि हमारे सारे ऑपरेंड्स ट्रू होंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है इफ़ c इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू 2 देन एक्सप्रेशन c equals to 5 and
डी लेस देन 5, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। और अगर हम बात करते हैं लॉजिकल और की, तो ये ट्रू होगा यदि आपकी एक कंडीशन भी ट्रू हो गई। जैसे सेम अगर हमारा वही कंडीशन देखते हैं, वही क्वेश्चन देखते हैं, इफ सी इक्वल टू 5 एंड डी इक्वल टू 2, देन एक्सप्रेशन सी डबल इक्वल्स 5 और डी लेस देन 5, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1। वाई? क्योंकि सी डबल इक्वल्स 5, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। और लॉजिकल नॉट ट्रू ओनली इफ द ऑपरेंड इज 0, यदि हमारा ऑपरेंड 0 होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे इफ सी इक्वल टू 5 देन एक्सप्रेशन सी डबल इक्वल्स 5, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, ड्यूरिंग कंप्यूटेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये कन्वर्ट होते हैं हमारे बिट लेवल पर, जो कि हमारे प्रोसेसिंग को फास्ट करते हैं। तो यही है हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। और हमारे कुछ बिटवाइज ऑपरेटर के टाइप हैं जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, एंड और कैरेट जिसे एक्सक्लूसिव और बोल सकते हैं, नेगेशन मार्क जिसे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। अभी आप हमारी प्रोग्रामिंग वीडियोज़ में भी देख सकते हैं कि ये सभी ऑपरेटर्स को मैं यूज़ करूँगा अपने प्रोग्राम्स में, और आपको समझाऊँगा ये किस तरह से कार्य करते हैं। तो संभवतः आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको थम्स अप दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिनसे उनका भी बेनिफिट हो। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारे ब्लॉग hakinkraysoftech.blogspot.in पर जाकर इस पर्टिकुलर लेक्चर के आप नोट्स ले सकते हैं।